हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग edistrict.delhi डोर स्टेप सर्विस के पोर्टल पर दोस्तों अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को भूल चुके हैं, या फिर आप लोगों को इसका रिकवर करना है, या इसका दूसरा कारण अगर आप लोग अपना नया यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरह का एक मैसेज नज़र आता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह का एक मैसेज आता है तो आप लोगों को उसका सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, और आप लोगों को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे रिकवर करना है इसका भी आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस साइट पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन आईडी यूज़र आईडी पर आपको क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे, डिटेल्स। इसमें दोस्तों सबसे पहले बार आपको नो को चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जिस भी डॉक्यूमेंट द्वारा लॉगिन किया है, या तो वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, उसके द्वारा आपको चूज़ करना है, उसको आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड पर जो आपका नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर आएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दोस्तों जिनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है वो भी टिके रहना, मैं उनको भी सोल्यूशन बता दूंगा, लेकिन अभी वीडियो को देखते रहो, वीडियो के बीच में ही आपको सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर आपको ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड फिल कर लेना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सीधे गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, और यहाँ पर देखिए यूज़र एक्शन रिस्पॉन्स, योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। और देखिए दोस्तों आपके सामने मेरे ऊपर ये देखिए फ़ोन पर मैसेज भी आ चुका है, आपने देख भी लिया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बाद आप लोगों को क्या करना है ये मैं समझाता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, सीधे होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक कोरोना का मैसेज आएगा, उसके बाद उसको काट के यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र आईडी एंड लॉगिन, इस पर फिर से क्लिक करना है। और जो भी आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाला गया है आपको वो यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वो कैप्चर कोड डालना है, कोड फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रॉम योर चेंज पासवर्ड, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिनको पासवर्ड चेंज करना है वो भी इस वीडियो पर देखते रहें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिक्कत आती है। दोस्तों दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि लोग समझ नहीं पाते यहाँ ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड में क्या डालना है। दोस्तों जो भी आपको मैसेज के द्वारा पासवर्ड दिया गया है आपको ये ओल्ड पासवर्ड में डालना है। ओल्ड पासवर्ड के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड डालना है, उसको कन्फर्म करने के लिए फिर इसी जगह वाला पासवर्ड यहाँ पर भी आपको फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों अपना पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड योर पासवर्ड एट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने पासवर्ड बनाया है उससे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहीं पर वही अपने यूज़र आईडी और जो नया पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर आपको सेकंड पर फिल करके यहाँ कैप्चर कोड फिल कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपके सामने मेरी आईडी खुल चुकी है, और इस तरह की देखिए आईडी खुल चुकी है। बहुत आसान है दोस्तों ईडिस्ट्रिक्ट पोर्टल का जो पासवर्ड रिकवर करना, यूज़र आईडी रिकवर करना। अब दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं है, या उनको पता ही नहीं है कि मेरी ईमेल आईडी कैसे बनी हुई है, तो आप लोग अपने नियर बाय SDM ऑफिस जाइए, वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखाइए, वो आपको उसके आधार कार्ड के बेस पर यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, और उसी के द्वारा आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। मोबाइल नंबर आपको चेंज करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर एक नई वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी नई अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू।